दोस्तों नमस्कार, सलाम नमस्ते। मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष और आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं रेडियो मनपसंद। जी हां, पूरा तड़का लगा के मैं हूं आज कहां। जी हां, आज हूं मैं कैनबरा के गंगालिन सबब में। और जैसे पीछे आपने देखा, जी हां, ट्रैम आ चुकी है। और इसका कारण ये है, मैं गंगालिन सबब में इसलिए हूँ क्योंकि ऑजी होम लोन्स का एक ऑफिस है, दफ्तर कह लीजिए, एंड दे आर द मोर्टगेज ब्रोकर्स, वन ऑफ द बेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया। और हमारे बड़े मनपसंद चाहने वाले यहाँ पे काम करते हैं, उनसे मैं मिलवाता हूँ, गपशप करता हूँ। और ऑजी होम लोन्स क्या है, ऑजी होम लोन्स के बारे में जानते हैं, मोर्टगेज के बारे में जानते हैं, इंटरेस्ट रेट के बारे में जानते हैं। बस आप कहीं जाइएगा मत, लगे रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए रेडियो मनपसंद। जी हाँ, पूरा आज तो लगेगा मोर्टगेज का तड़का लगा के। Good. Welcome to Aussie Gangalin. अरे वाह, क्या बात है। Hello मनीषा। Hi. Good. आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? Everything is good. भाई एकदम first class. First class. अच्छी अच्छी बात है। अरे वाह, इसलिए हमारे मनपसंद। How are you? Good to see you. Good to see you. Nice to meet you. Welcome. Thank you. Himanshu जी, आपके दिनों के बाद मिल रहे हैं। Welcome. Yes, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। Thank you for coming. बड़ा अच्छा है, इट्स वेरी नाइस डेकोर। हां, लग नहीं रहा है कि कोई मॉर्गेज ब्रोकर के ऑफिस में हूं मैं। अच्छा, नहीं, यू आर डेफिनेटली इन द राइट प्लेस। चलिए, ये हमारी सिटिंग एरिया है, रिसेप्शन। अच्छा, और ये हमारी ऑफिस भी है, इट्स लाइक एन ओपन ऑफिस। क्या बात है, जस्ट फॉर अ क्विक शॉर्ट डिस्कशन। राइट, और मनीषा से आप मिल चुके हैं। और ये हमारी दो ऑफिसेज हैं जिसमें मीटिंग भी करते हैं। वाह, क्या मान लो, यहां बिल्कुल एक ऑफिस ये है और दूसरी यहाँ पे भी है। दिस इज ऑल फॉर कॉन्फिडेंशियल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अरे वाह, तो एवरीथिंग स्टेज इन कॉन्फिडेंस। क्या बात, साउंड प्रूफ है, देखो साउंड। यहाँ पे ये हमारी बैक एंड ऑफिस है। अरे वाह, ये रवनीत जी बैठे हैं। हेलो रवनीत भाई, ब्रोकर। नमस्कार मनीष जी, कैसे हैं? कैसे हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेलकम। आई एम डूइंग वेल। और हाँ, बस ये हमारी ऑफिस है। मनन भी यहीं पे बैठता है, अभी थोड़ा सा कस्टमर का फोन आ गया तो आगे चला गया। अच्छा, मनन एंड ये मनीषा साहब चुके हैं। या मनन भाई इज हियर। या या, यस, आपने नहीं, कंटिन्यू कंटिन्यू, व्हाटएवर यू गेट। यस, चलिए बढ़िया, चलिए। यहां पे हमारा, दिस इज द बैक ऑफिस, तो इसमें वेरी नाइस, वी सिट डाउन, हैव डिस्कशंस, सिनेरियोस हैं, डिस्कशंस लोन के बारे में। हां जी, तो दिस इज बेसिकली आवर मीटिंग रूम, लंच रूम भी पीछे है। हां, इंजन रूम, एग्जैक्टली इंजन रूम भी है। So everything happens in here. So दो ड्राइवर हैं, दो गार्ड्स हैं। सारे हम सारे ड्राइवर हैं सारे। और मनीषा का रोल क्या रहता है? आई एम एडमिन हियर। आई ड्राइव द इंजन। हां, वो आई एम द मेन ड्राइवर। ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग मनीषा के हाथ में। गाड़ी कहां चलेगी, कहां जाएगी, कहां रुकेगी। चलिए, ऑल प्लान्ड हियर। वेरी गुड, चलिए कहीं बैठते हैं, बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है हमारे रेडियो मनपसंद के इस स्पेशल एपिसोड में जो कि लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। थैंक यू राजू भाई, थैंक यू हिमांशु जी, थैंक यू मनन जी, एंड थैंक यू रवनीत जी, थैंक यू, आपने हमें इनवाइट किया। वेलकम टू कम इन हियर। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, एन आइडियल प्लेस, गंगालिन के एकदम प्राइम लोकेशन पे, ट्रैम आपके सामने ही खड़ी होती है। तो इस जर्नी के बारे में बताइए, ऑजी होम लोन्स कब से है? मे बी राजू जी का इसमें ज़्यादा हाथ होगा। ज़्यादा तो नहीं है, हाथ तो सबका है। लेकिन हमने जर्नी शुरू की थी अबाउट 15-16 साल हो गया मैं यहाँ पे, और हिमांशु और मैंने ये दुकान फ्रेंचाइज खोली है, और लकीली वी हैव वेरी गुड ब्रोकर्स आल्सो। तो दिस जर्नी हैज बीन गोइंग ऑन विद अस फॉर द लास्ट 15-16 ईयर्स नाउ। डे हम चार ब्रोकर्स ही हैं, और मनीषा बैठी पीछे, शी डज ऑल द एडमिन वर्क फॉर अस, तो शी लुक्स आफ्टर प्रीटी मच ऑल आवर डे टू डे appointments, bookings, advertising,
कुछ चीज़ें ऑर्डर करनी है वो सब करती है, शी लुक्स आफ्टर ऑल दैट. सो वी लुक आफ्टर ऑल आवर क्लाइंट्स. तो जैसे ही क्लाइंट आते हैं, वी लुक आफ्टर देयर नीड्स, वी स्टार्ट द इंटरव्यू प्रोसेस, एंड देन वी टेक इट फ्रॉम देयर. टू बिकम अ मॉर्गेज ब्रोकर, उसके लिए कोई कोर्स है, स्टडी है, कोई क्वालिफिकेशन चाहिए या? इसका सच जो कोर्स है ना, वो बहुत ही बेसिक सा कोर्स है. इट्स नॉट लाइक इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग कोर्स. एक दो वीक में कोर्स खत्म हो जाता है. बट प्रैक्टिकली जो आपका जो सीखना है, वो कोर्स में कोई कुछ प्रैक्टिक उसमें कुछ सीखता नहीं आदमी. वो तो आपको ऑन जॉब ही है, इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस. आज हमने 15 साल हो गए करते हुए, पर आज भी हम सीखते हैं. सो इसका कोई ऐसा है कोर्स, बहुत छोटे से ड्यूरेशन का कोर्स है, पर उससे कोई आदमी सीखता नहीं है ज्यादा. बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है मॉर्गेज के लिए, कोई अगर आना चाहे? और हम सब माइग्रेंट्स हैं, यहाँ घर बसाने की सोचते हैं. घर बसाने के लिए पैसे की जरूरत होती है. बिल्कुल. कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? रमीज आप बताइए. देखो, जैसे हम ज्यादातर लोग हम इंडियन बैकग्राउंड से आते हैं, और हमारे DNA में यह है कि हमें अपना घर बनाना है. घर बनाने के लिए सबसे सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि जो अपने बेसिक्स हैं उसको करेक्ट रखें. ज़्यादातर जो इंडियन बैकग्राउंड सब कंट्री के लोग हैं उनके ठीक ही होते हैं सारे बेसिक्स. लेकिन एक जो बेसिक एक आपको डिपॉजिट देने के लिए और जो घर खरीदने के लिए कॉस्ट होती है, वो आपको फंड सेव करने स्टार्टिंग में, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको अपनी जो क्रेडिट हिस्ट्री है उसके ऊपर शुरू से ध्यान देना चाहिए. कि कई बार कई स्टूडेंट लोग आते हैं, तो हमने बहुत बार देखा है विद एक्सपीरियंस कि उनके जब स्टूडेंट होते हैं कोई क्रेडिट कार्ड्स ले लेते हैं और उसको रीपे करने में दिक्कत आती है, और उस टाइम प्लान वगैरह पे चले जाते हैं, तो बाद में जब वो PR होते हैं या घर लेने की सोचते हैं, तो वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो वाला जो उनकी हिस्ट्री है क्रेडिट. तो क्रेडिट पे बहुत ध्यान दें और सेविंग करें और खुशी खुशी घर खरीदें. हमारे पास आए ऑजी कंगलन में, अभी विल हेल्प देम आउट. सैलरी मैटर करती है? बिल्कुल सर, बिल्कुल 100%. सैलरी है और भी इनकम सोर्सेज हैं. परमानेंट फुल टाइम हो सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है, और परमानेंट के साथ कैजुअल भी हो सकता है. दे कैन हैव मल्टीपल जॉब्स. वाइफ भी होगी तो ऑब्वियसली शी विल हैव अ जॉब एज वेल, तो उनकी इनकम सब काउंट करेगी. फिर देन लाइबिलिटीज़ हैं, क्रेडिट कार्ड है, कार लोन है, पर्सनल लोन है, वो सब लाइबिलिटी में काउंट होते हैं. बच्चे हैं, देर ऑल्सो काउंट एज लाइबिलिटीज़. फिर उसका जो है हम कैपेसिटी चेक करते हैं कि उनकी कैपेसिटी क्या है, हाउ मच दे कैन बोरो. और फिर भी उसमें क्या है कि हमारे पास 25 लेंडर्स हैं. आप देखिए पीछे ये सब बैंक्स जिनसे हम लोन करते हैं, तो कुछ कुछ अलग अलग पॉलिसीज होती हैं. तो उसे कैसे फिट करना है उसको, और कहाँ से उनका मैक्सिमम लोन बनेगा पॉलिसी के हिसाब से, वीज़ा के हिसाब से, तो वो सब हम देखते हैं. तो बेसिकली एंड ऑफ द डे वी आर हेयर टू हेल्प द कस्टमर टू बाय द ड्रीम होम. क्योंकि फाइनेंस तो चाहिए ही चाहिए. बिल्कुल. तो आपने लेंडर्स की बात की, तो आपके डाटाबेस में खाली बैंक्स नहीं, बाकी इंस्टीट्यूशंस भी? बिल्कुल बिल्कुल. सो इसमें क्या है, देयर आर 4 मेजर बैंक्स. अच्छा. जैसे कॉम बैंक है, नैब है, एंज है, सेंट जॉर्ज वेस्ट, ये हो गए मेजर बैंक्स. फिर दूसरे हो गए नॉन मेजर. नॉन मेजर में आपके आगे ING है, सनकॉप है, बैंक वेस्ट है. सो देयर नॉन मेजर्स. तो आप तो अलग अलग पॉलिसीज होती हैं, तो वी विल फाइंड द बेस्ट सोर्स ऑफ डील फॉर देम. क्रेडिट यूनियंस हैं, और उनकी कहीं होंगी क्रेडिट यूनियंस की उनकी पॉलिसीज वगैरह जो हैं वो मेन बैंक से बहुत डिफरेंट रहती हैं, और उनको मतलब वो ज़्यादातर कई ऐसे लोन होते हैं जो उन्हीं के पास जाते हैं, जो मेन स्ट्रीम बैंक लेंडर के पास नहीं जाते. तो डेफिनेटली उसमें वही मेरा प्रश्न है कि लोग बैंक के पास ना जाके आपके पास क्यों आए? बिल्कुल. नहीं देखो, उसका रीज़न ये है कि जैसे आप, बड़ी सिंपल वर्ड्स में एग्जांपल देता हूँ, जब आपको कार खरीदनी है, आप टोयोटा के शोरूम में जाते हो, तो आप टोयोटा की कार मिलेगी, यू कांट कंपेयर टोयोटा विद माज़्डा, होंडा या किसी और कार के साथ. हमारे पास आएंगे तो हमारे पास मोर देन 25 लेंडर्स हैं, उनके 3000 से ज़्यादा होम लोन प्रोडक्ट्स हैं. तो हम एक ही इंटरव्यू में जब इनिशियल डिस्कशन होती है, हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये लोन किस बैंक के साथ जाएगा. कस्टमर बैंक के पास जाता है तो उसको हर बैंक के पास जाना पड़ेगा इंडिविजुअली, उसका टाइम भी ज़्यादा लगेगा. और दूसरा ये है कि एक ही आपको एक ही इंटरव्यू में वो या एक ही मीटिंग में आपको सारा सोल्यूशन मिल रहा है, और बैंक के पास जाए मान लो उस बैंक की पॉलिसी उसको फूट नहीं करती, कोई भी कभी बोरोवर है, तो वो डिस्करेज हो जाएगा कि मेरा तो लोन नहीं होगा. ऑन द अदर हैंड अगर वो हमारे पास आता है, तो हम ये बता सकते हैं कि तेरे पास सोल्यूशन है, हाउ यू हैव टू वर्क उस सिनेरियो के ऊपर आपको कैसे काम करना है. तो इसके लिए आप फीस वगैरह कोई चार्ज करते हैं टू प्रोवाइड दिस सर्विस? नहीं, इट्स टोटली फ्री, कोई फीस नहीं है इसकी. लेकिन डेवलपमेंट की ये फ्री है, हमें कमीशन मिलता है बैंक से. अच्छा. विच वॉन्ट अफेक्ट द कस्टमर, कस्टमर को कोई चार्ज नहीं लगता. इन सिंपल वर्ड्स अगेन, वी आर लाइक टैक्सी ड्राइवर्स. अच्छा.
जब हमारा पैसेंजर बैठेगा और उसको हम डेस्टिनेशन में छोड़ेंगे तभी हमें पे करेगा। बैंक इज लाइक अ बस ड्राइवर, उनको दे डजंट केयर कि कोई बैठ रहा है बस में नहीं बैठ रहा है, उनको एक पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना और डन एंड डस्टेड। तो होम लोन्स के अलावा कोई और सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं आप लोग? हां जी, मैंने मैंने बताया पर्सनल लोन्स हो गए, एसेट फाइनेंसिंग हो गई। सो पर्सनल लोन्स कुड बी फॉर एनी रीजन, पर्सनल लोन्स कुड बी फॉर एनी रीजंस, और एसेट फाइनेंस बिकॉज आप देखोगे बहुत सारे इवन कम्युनिटी मेंबर्स, नॉन कम्युनिटी मेंबर्स, एनीवन, दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड। लैंडस्केपिंग बिजनेसेस हो गए और ट्रक्स हो गई, तो एसेट्स को भी फाइनेंस कर सकते हैं, वेदर इट इज एनी एसेट्स लाइक कार भी हो गई और या फिर कोई बिजनेस एसेट्स भी हो गए। तो दो सॉर्ट ऑफ सर्विसेज एज वेल, इंश्योरेंस वगैरह भी देते हैं, इंश्योरेंस सुपर एनुएशन वगैरह भी है, नॉट मेजरली सुपर एनुएशंस, बट इफ समबडी वांट्स टू बाय अ होम लोन विद कंसीडरिंग देयर सुपर एनुएशन, यस दैट इज आल्सो एन ऑप्शन, और इंश्योरेंसेस, यस वी आल्सो प्रोवाइड इंश्योरेंसेस, अलियंस इज द प्रोवाइडर। एक एग्जांपल देना चाहेंगे, कोई कस्टमर नया आता है, मैं ही आऊं आपके पास आऊं और होम लोन लूं, तो एक जर्नी के बारे में बताइए, आइडियल जर्नी क्या होती है अंटिल द सेटलमेंट ऑफ द हाउस, या कोई भी कार खरीद रहा है या कोई ट्रैवल करने जा रहा है पर्सनल। ठीक है, तो बिल्कुल उसमें हम क्या करते हैं कि फर्स्टली ऑब्वियसली विल मेक एन अपॉइंटमेंट, कस्टमर से मिलेंगे, आपसे ही मिलेंगे हम, फिर पूरा हम इंटरव्यू। डू वी हैव टू कम हियर या आप अपने घर पे भी प्रोवाइड करते हैं? मोस्टली हम प्रेफर करते हैं कि कस्टमर्स हमारे ऑफिस में ही आए, क्योंकि ऑफिस में क्या है कि एक तो माहौल भी अच्छा होता है, एंड वी कैन डिस्कस इट प्रॉपर्ली, इट्स ऑल प्राइवेट आल्सो, तो देयर इज नो डिस्टर्बेंस, तो वो थोड़ा अच्छा रहता है। अगर कस्टमर घर जाना हो तो वील गो, वो भी ऑप्शन है, बट मोस्टली वी प्रेफर कि ऑफिस में ही हो इंटरव्यू। तो इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है कि वी ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, नीड क्या है, आर यू बाइंग अ होम, आर यू रीफाइनेंसिंग, अगर आप मकान ले रहे हैं तो वील अंडरस्टैंड कि आपकी इनकम क्या है, आपकी लाइबिलिटीज क्या हैं, इफ यू सिंगल मैरिड, आपका जॉब कौन सी है, वेदर इज परमानेंट, फुल टाइम, सेल्फ एम्प्लॉयड, वो सब देखने के बाद वील डू सम कैलकुलेशंस, आपकी डिपॉजिट क्या है, सेविंग्स में क्या है, आई यू फर्स्ट होम बायर, ग्रांट्स क्या मिलेंगे गवर्नमेंट से, वेदर देयर इज स्टैंप ड्यूटी कंसेशन है नहीं है, और गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या है, अगर फर्स्ट होम बायर हैं, इफ़ यू हैव अ पीआर है, देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर द ऑप्शन ऑफ फर्स्ट होम गारंटी स्कीम, जिसमें आपकी जो मोगी जिंस होती है वो बचती है। तो देर आर मेनी थिंग्स टू लुक एट, विल फर्स्ट इंटरव्यू इज टू अंडरस्टैंड कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, विल डू सम कैलकुलेशंस, विल टेल यू कि आपकी फंडिंग पोजीशन के हिसाब से whether you are there to buy a home, yeah, it will take you another 3 months, yeah, 6 months. So we'll discuss all of that. Or kaun sa bank ke saath jayenge, interest rate kya hai, variable hai, fixed hai, offset hai. We'll discuss all those things in the first interview. Uske baad kya hota hai, you obviously send all the documents to us. Hum application taiyar karenge. We'll apply for a pre-approval. Or if you bought a property already, we'll go for a full approval. To wo sara kaam hum karenge. It will be all of it. So we are on the journey from the first station to the last station. अच्छा, बिल्कुल शुरुआत से लेके एंड तक। मैंने शुरुआत ट्रैम से की है, वही लग रहा है। बिल्कुल, जैसे आपने की थी और अभी आपकी जर्नी चल रही है, अभी आप ऑफिस में बैठे हैं। It'll continue on till the end. Very nice. So we'll look after the customer until the end. क्या बात। फिर लोन अप्रूव हो जाएगा, डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, रिटर्न करने हैं, सेटलमेंट बुक करनी है, सोलिसिटर्स हैं, उनसे ही बात करेंगे, मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज ऑल फिट फॉर फिक्स। वन स्टॉप शॉप की तरह आप। इट्स एब्सोल्युटली वन स्टॉप शॉप। बिल्कुल बिल्कुल, और उसके बाद भी क्या होता है कि once the loan is settled, we will continue on with the journey, we will keep in touch with you, कि आपका लोन अच्छा चल रहा है, एक महीने के बाद, एक साल के बाद, आपकी और कोई रिक्वायरमेंट फ्यूचर में है, आपने इन्वेस्टमेंट लेनी है, तो वी आर देयर फॉर द लॉन्ग रन। उसमें यही इसलिए ना, हमारे ब्रोकर्स के साथ क्या है कि हमारे को जो कमीशन है वो बैंक से मिलती है, तो इट इज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसको हम कस्टमर को आगे के भी, एक लोन नहीं है, आगे भी उसने पहले ओनर ऑक्यूपायर प्रॉपर्टी ली, फिर वो 2 साल 4 साल 6 साल के बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेगा, तो इस वो हमारा 100% कमीशन से है काम जो बैंक से आती है, तो वो हम इस जर्नी में थ्रू आउट लाइक यू नो नॉट वन एक प्रॉपर्टी, जितनी भी उसकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हम देखते हैं सारा। बिल्कुल, हमारा बिजनेस चलता है रेफरल पे, आपका लोन किया हमने, फिर फ्यूचर में आप अपने भाई को रेफर करेंगे, आपके कोई कॉलीग होगा उसको रेफर करेंगे, जैसे आपने भी किया था, अपनी आपकी बेटी का लोन मैंने किया था, so this is all a referral business, so it just keeps on growing and growing. चलिए बड़े, आपने इंटरेस्ट रेट की बात की और अभी हाल ही में इंटरेस्ट रेट तो बढ़े जा रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, और आशा करता है कि एंड ऑफ दिस ईयर शायद इंटरेस्ट रेट कम हो, तो
अभी आप रिकमेंड करेंगे किसी को होम लोन या मॉर्गेज में लॉक करने के लिए, या और दूसरा ये है कि वेरिएबल पे जाएं कि फिक्स्ड रेट पे जाएं? इट्स अ वेरी बिलियन डॉलर क्वेश्चन. आई थिंक अभी वेट करना चाहिए फिक्स्ड के लिए स्पेशली. फिक्स्ड आर स्लाइटली मोर देन वेरिएबल, बट कपल ऑफ बैंक्स हैव ऑलरेडी रिड्यूस्ड दोस रेट्स. द फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट दे आर अराउंड 5.69 विद वन ऑफ द लेंडर्स, 4 years फिक्स्ड. But abhi bhi I'll say they should wait for a while unless and until the rates come around maybe 5.5% and the fixed comes to 5% around that mark. घर खरीदना चाहिए इस समय कि नहीं? पहले ये सबसे बड़ा वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. इज इट? इतने हाई कॉस्ट है, इंटरेस्ट रेट भी हाई है. प्राइसेस हैव कूल डाउन लाइक बाय 10 or 20% ऑलमोस्ट. कैनबरा हैज ऑलरेडी सीन अ करेक्शन ऑफ आई थिंक 10 to 15%. So I think, look, everything has a peak and everything has a low as well. I think the interest rates have peaked now and correction has also peaked. So I think there should not be any more corrections in the house prices. So I think it's a very good time to buy a house right now. Aur sabse bada question aata hai ki itne sare mortgage brokers hain market mein. Haan ji. Ek koi aapke paas kyun aaye? देखो तीन चार चीज़ें होती हैं बिजनेस करने के. एक तो हमारी प्रेजेंस जो है ऑल दी होम लोन्स की, वो पिछले 32 साल से है. तो 32 साल में ऐसी कॉम्पिटिटिव मार्केट में टिकना कोई आसान काम नहीं है. और हमारा जो नेटवर्क है ऑफी का वो बढ़ता ही जा रहा है. ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया 232 स्टोर्स हैं, जो मोबाइल ब्रोकर्स हैं वो अलग से हैं. दूसरा एक जो हमारी अपनी प्रेजेंस है यहाँ पे, जैसे राजू भाई ने बताया 15 साल से है और वो जर्नी हमारी चलती जा रही है. और दूसरा एक पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके एथिक्स. तो जो ऑजी ने हमें सिखाया गया, जो वो उनका एक कॉम्प्लायंस का एक पैरामीटर है, या जो जिस जो ढंग से वो बोलते हैं काम करें, उस पैरामीटर्स में आप काम करोगे तो गलत काम हो ही नहीं सकता. तो जो भी हमारे पास आएगा वो उसको एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिलेगी कि जो काम हुआ बिल्कुल एथिकली करेक्ट है और वो दे आर सेफ, दे आर नॉट, वी आर नॉट डूइंग एनी रॉन्ग थिंग्स. और साथ में ऐसा कि हमारी लोकेशन बहुत अच्छी है, पार्किंग है एंड सो मतलब काफ़ी कन्वीनियंट है, लाइट रेल है जैसे भी आप आएँ. और हमारे कोई ना कोई हमेशा, फॉर एग्जाम्पल मैंने आज ऑफ लिया है तो समन कोई हमारी इतनी बड़ी टीम है कोई और उसका काम देख लेगा. तो कई बार छोटे छोटे ब्रोकर्स होते हैं जो जिनके पास एक ही ब्रोकर है, वो कई बार होता है कि हम यहाँ पे सारे फुल टाइम काम करते हैं, कई छोटी छोटी फर्म्स के साथ एक ही ब्रोकर काम कर रहा है, वो साथ में बस भी चला रहा है. तो उधर से असेसर की कॉल आई तो वो एंटरटेन नहीं कर सकता, वो सर्विस ही नहीं मिल पाई, सर्विस ही नहीं मिलती. तो इसीलिए हाँ. और दूसरा ये भी होता है कि जैसे बैंक में आप जाएंगे ना, तो बैंक में क्या होता है कि आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी पहले. पर आप फ़ोन करो या ऑनलाइन जो अपॉइंटमेंट लो, अपॉइंटमेंट आज नहीं मिलेगी आपको, शायद दो तीन बाद मिलेगी, एक हफ्ते बाद मिलेगी. वो टाइम जो उनको बैंक को सूट करेंगे, उनके तो अपनी आवर्स, ऑफिस आवर्स ओपनिंग है, हमारा क्या ही अपना, हमारा अपना बिजनेस है. सो वी आर मोर फ्लेक्सिबल. ऑफकोर्स वी ओपन फ्रॉम 9 to 5:30. लेकिन कोई कस्टमर फ़ोन करता है कि भाई मैं 6 बजे आना है, मैं काम करता हूँ, मैं आ नहीं पा रहा, मैं 6 बजे आता हूँ, तो वी आर ओपन टू बिजनेस. तो ये नहीं कि हमारे पास 5:30 बजे और हम जाएंगे, तो वी आर ओपन फॉर दैट. और वीकेंड पे भी अगर ऐसा कस्टमर है जिसको सूट करता है वीकेंड पे, तो वी आर ओपन फॉर दैट ऑल्सो. मनीष जी उसमें जो राजू भाई बोल रहे हैं, तो हमारा जो ऑफिस में यहाँ पे ज़्यादातर जो मीटिंग रूम बिजी होते हैं, 4:30 to 5:30, 6 o'clock सारे ज़्यादातर बिजी होते हैं, बिकॉज सिटी से कोई ज़्यादा सही आ रहा है तो हम इनको आफ्टर ऑफिस आवर्स. अदर हैंड मॉर्निंग में भी ऐसे होते, कई बार होता है कि किसी को लोन डॉक्यूमेंट साइन करने हैं और सेटलमेंट 3-4 दिन के टाइम में है और दे डोंट हैव एनी अदर टाइम. मॉर्निंग में जल्दी भी खोल लेते हैं, वी आर वेरी फ्लेक्सिबल. वेरी गुड. राजू भाई को तो हमने बड़े कम्युनिटी वर्क में देखा है, हमेशा मंदिर में और समाज सेवा करते रहते हैं. बिल्कुल. और बाकी अभी हाल ही में हमने देखा कि यू गाइस आर आल्सो सपोर्टिंग कम्युनिटी एज़ वेल. यस डेफिनेटली. हमारी कम्युनिटी में बिल्कुल बिल्कुल, वी आर वेरी मच पार्ट ऑफ द कम्युनिटी. आपने देखा होगा ऑज इंडिया फेयर, हम भी पार्टिसिपेट करते हैं. रवनीत जी हैं, ही आल्सो डज यू नो, अगर कोई भंगड़ा ग्रुप है या पंजाबी ग्रुप है, cultural events hai, he also participates in that. Aur hum as collectively we also support Gangalan festival hota hai yahan pe, there is a Gangalan festival, usko hum support karte hain.
और जहाँ पे भी यू नो वी दिस कम्युनिटी इवेंट वी विल बी प्रेजेंट एंड वी ऑब्वियसली वांट टू प्रमोट आवर कम्युनिटी आल्सो तो उसके लिए हमें बिजनेस चाहिए डेफिनेटली एंड दैट्स व्हाट वी हैव फॉर हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उसके लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं मार्केटिंग बिल्कुल स्ट्रेटजीज हैं तो मार्केटिंग तो हम काफ़ी करते हैं यहाँ पे वी कैन सी सबसे बेस्ट देखो मार्केटिंग हमारी वही है जो वर्ड ऑफ माउथ हाँ अच्छा काम करके देते हैं तो लोग हमें रेफर करते हैं तो हमारा बेसिकली आप बोल सकते हो 70-80% जो हमारा बिजनेस है वो रेफरल से ही आता है अच्छा ऑजी का बैकअप बहुत ज्यादा अच्छा है कि जो उनके डाटाबेस पे हमारे कैचमेंट में जो लीड्स आती है वो हमारे पास ही आती हैं लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट हमारा जो मेन ड्राइव है वो है रेफरल्स और रेफरल्स तभी आते हैं जब आप अच्छा काम करते हो मैं खुद बोलूंगा कि आई एम डूइंग वेरी गुड जॉब कोई रिलाई नहीं करेगा आप भी नहीं करेंगे अगर कोई थर्ड पर्सन बोलेगा कि नहीं वहां जाओ काम अच्छा करते हैं तो आपको आपको आप रिलाई भी करोगे और आप वहां पे ट्रस्ट करके आओगे हमारे पास रेफरल की बात की वर्ड ऑफ माउथ की बात की हम रेडियो मनपसंद के लिसनर्स फॉलोअर्स व्यूअर्स सब देख रहे हैं हां जी उनके लिए कुछ स्पेशल सर्विस है या डिस्काउंट है या कुछ एक्स्ट्रा सर्विस है बिल्कुल बिल्कुल एक्स्ट्रा सर्विस भी है डिस्काउंट्स तो हम चाय कॉफी तो मिलेगी लेकिन उसके अलावा नहीं कॉफी तो आपको मिलेगी डेफिनेटली कॉफी है चाय है वो तो मिलेगी आपको स्पेशल केयर मिलेगी बिल्कुल बिल्कुल रेडियो मनपसंद के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा कि आजकल हमारे एक ऑफर चल रहा है किसी लेंडर के थ्रू है फर्स्ट टाइम बार कोई है तो उसको $3,000 तक का कैशबैक मिल सकता है अच्छा और रिफाइनेंस के लिए भी है कि 2,000-3,000 तक है लेकिन वो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि आपका लोन साइज कितना है आपकी LVR कितनी है तो रिफाइनेंस भी रिफाइनेंस कैशबैक थोड़े कम हो गए हैं अभी लेकिन अगर हाँ लेकिन किसी को कोई जैसे फर्स्ट टाइम बायर है 2-3,000 की कमी है तो उस लेंडर के साथ जाओगे तो 3,000 वहाँ से रिफरेंस कैश सॉरी फर्स्ट टाइम बायर के लिए वो कैशबैक मिलेगा तो उसके लिए बहुत बड़ी सपोर्ट बन सकती है वेरी नाइस एक तो अच्छी बात है कि आप लोग हिंदी में बात करते हैं डेफिनेटली हमारे पास काफी लैंग्वेजेस हैं वी एक्चुअली मल्टीकल्चरल ऑफिस मल्टीलिंगुअल भी है मल्टीलिंगुअल भी है तो पंजाबी तो खैर है ही पंजाबी हिंदी इंग्लिश और मेरा सिंधी बैकग्राउंड है अच्छा सिंधी आल्सो गुजराती सिंधी तेलुगु भी है हमारे पास मतलब राजस्थान राजस्थान तो मारवाड़ी भी बोल नहीं बहुत कम खमन गाड़ी आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएंगे तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगा हमारे ऑफिस में बस और आप लोगों से बात करें बहुत अच्छा लगा बहुत मजा आया और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं बधाई और यू डूइंग गाइस आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब बिल्कुल और प्रोवाइडिंग द सर्विस टू द कम्युनिटी और थ्रू वेरियस मीडियम्स बिल्कुल बिल्कुल आप लोग तो स्पॉन्सर भी बनते हैं बिल्कुल समाज को भी सेवा कर रहे हैं डेफिनेटली धन्यवाद धन्यवाद मनीष जी धन्यवाद आप यहाँ पे आए बिल्कुल और जो हमारे सुनने वाले हैं दर्शक रेडियो मनपसंद वाले उनको भी हम ये बोलना चाहते हैं कि हमारे पास आइए गिव अस अ चांस दैट्स व्हाट वी हैव फॉर वी हैव टू हेल्प यू विद द फाइनेंस और इट्स अ जर्नी अब मकान लेंगे पहला मकान लेंगे फिर दूसरा लेंगे तीसरा लेंगे तो वी विल बी हेल्पिंग यू विद दैट जर्नी ऑल्सो और आपके लिए तो कोई कॉस्ट ही नहीं है इट्स टोटली फ्री We will look after you from A to Z. मतलब घर जैसा माहौल मिलेगा? बिल्कुल, 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 absolutely घर जैसा माहौल, जैसे हमने कहा, सब हम ही बैठे हैं, we speak all the languages, location, everything is here. और दूसरी बात, एक और important चीज़ है कि हम अभी बोल रहे हैं कि हमारे पास आइए, तो उससे पहले आप हमारे Google reviews चेक करिए। अच्छा। उससे पता चलेगा कि not only subcontinent background के लोग ही हमारे पास आते हैं, सब लोग आते हैं और they are very happy, they are with us for many many years. और वो एक प्रॉपर्टी से 5-6 तक हमने जर्नी देखी है उनकी एंड दे आर वेरी हैप्पी गुड चाय कॉफी के साथ मैं कह रहा राजस्थानी थाली और सिंधी थाली भी मिलेगी तो और खाने को तो बहुत भी अच्छा है एक चीज मैं ऐड करूंगा जैसे बैंक जाते हैं तो कई जैसे आजकल चल रहा है फर्स्ट होम गारंटी स्कीम तो सारे बैंक नहीं देते पर आपको अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल किसने जाना है कोई फर्स्ट होम बायर है उसको पता नहीं है वो बैंक करता है ANZ के साथ तो सबसे पहले ANZ में देखेगा पर ANZ वाले वो उनके पास वो प्रोडक्ट है ही नहीं है तो हमारे पास एज ए ब्रोकर क्या होता है इसीलिए तो ब्रोकर के पास जाते हैं कि कहाँ पे कैसे जर्नी करना है ये ट्रैवल कि हम उसको एक्वायर कर सकें प्रॉपर्टी वगैरह ले सकें तो ये इम्पोर्टेंट ब्रोकर के पास भी एग्जैक्टली सेम इंटरेस्ट रेट मिलेगा जो आपके पास बैंक के साथ मिल रहा है सेम प्रोडक्ट सेम सर्विस एंड कस्टमर जहाँ तक उसको कस्टमर केयर की कोई है इंटरेस्ट रेट चेक करना है वो बैंक ही देख रहा है कस्टमर केयर बैंक ही देख रहा है
हमारा तो उसका एक बार लोन हो गया, उसके बाद कुछ भी लोन से रिलेटेड है हम देखते हैं, कुछ भी प्रोडक्ट आपको कस्टमर केयर का इशू है वो आप डायरेक्टली बैंक के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, तो फैंटास्टिक ऑप्शन। जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग विद द इंटरेस्ट रेट्स, आपको ब्रोकर के साथ कभी कभार बेटर रेट मिल जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ कनेक्शंस, आवर कनेक्शंस विद बीडीएम्स एंड डिफरेंट लेंडर्स। इट्स नॉट यूजली डिफरेंट, बट 0.05, 0.10 और वो 30 इयर्स का इफ यू कैलकुलेट द रीपेमेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ 30 इयर्स तो वो बहुत बड़ा, इट मेक अ ह्यूज डिफरेंस एट द एंड ऑफ द 30 इयर्स लोन टर्म। तो प्रैक्टिकली वी आर बेटर नेगोशिएटर्स, हमें ये पता है कि किस बैंक के साथ अगर उसको मैक्सिमम स्ट्रेच करना है तो कैसे आपकी प्राइसिंग करनी है। करेक्ट, तो ये ऑप्शन जैसे हमारे साथ ही मिल सकती है बेस्ड बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस जैसे, और हमारा ऐसे टीम, हम ऐसे काम करते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं था कि हम ऐसे टीम काम करते हैं। अब जैसे मनन का भी कोई क्लाइंट है या उसकी फाइल है तो एक दूसरे को हेल्प करते रहते हैं, कोई नई पॉलिसी जैसे हिमांशु भाई ने बताया कि हर रोज नई चीज कोई आ रही है मार्केट में, तो एक बंदा सीखता है तो वो सबको बताता है, ऐसा नहीं कि दे आर कीपिंग टू देमसेल्फ, दैट्स व्हाई वी, और रिजल्ट्स आर रियली गुड। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों से बात करके, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आशा करते हैं हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं लिसनर्स हैं इसका फायदा उठाएंगे एंड दे विल कम टू यू एंड यू विल गाइड देम टू बाय देयर ड्रीम होम या फर्स्ट होम या जो भी है। चलिए थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही बस अपने ऑडियो होम लोन्स के द्वारा तड़का लगाते रहिए, इंटरेस्ट रेट का, मॉर्गेज का, होम लोन्स का, लगे रहिए। नमस्कार, थैंक यू, थैंक यू, नमस्ते, माय नेम इज राजू खियानी। सत श्री अकाल, माय नेम इज रवनीत धीमान। राम राम, मेरा नाम मनन। नमस्कार अमो, माय नेम इज मनीषा। आदाब, मेरा नाम है हिमांशु। थैंक यू मनीष, आप हमारे पास आइए क्योंकि हम ऑजी होम लोन से हैं और हम लोन्स होम लोन्स में करते हैं फॉर रीफाइनेंसेस, परचेसेस, फर्स्ट होम बायर्स, तो हमारे पास काफ़ी अच्छी ऑफरिंग है, आइए हमारे पास। आप लोग सुनते रहिए, लगे रहिए रेडियो मनपसंद, तड़का लगा के।